Hey guys, good morning and welcome back to my channel Tripti's Trip. Welcome back to another amazing vlog. और आज है आई थिंक षष्ठी या पंचमी है. सो मैं कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ बाज़ार, जो कि बिल्कुल भी दुर्गा पूजा स्पेशल शॉपिंग नहीं है. मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ चीज़ें खरीदने जा रही हूँ जो रेगुलर वेयर के लिए ज़रूरी है. सो उसके बाद अगर कहीं जाती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड व्लॉग देखते रहो. उससे पहले गाइज मैं आपको मेरा रूम का कंडीशन दिखाती हूँ. ये देखो, ये है मेरी स्टडी टेबल जिसका कंडीशन ये है. यहाँ पे मेरा ये पाउच है, मेरे कुछ ईयर रिंग्स का ये डब्बा है, वो आई शेडो पैलेट है, वो रिंग्स का डब्बा है, ये है ब्रशेस का, वो मेरा बैग है, ये बुक्स, ये मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती भी है, एंड मेरी बेड की हालत आप देख सकते हो. ये मेरे ड्रेस कॉम, वो मेरे दो तीन सेट ऑफ कपड़े, वो मेरे ट्राईपॉड का कवर, एंड ये सब विच इज़ अ टोटल मेस. मतलब सभी तो रूम का हालत यही है. और अब भी मैं जाऊंगी मार्केट मम्मी के साथ. सो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैंने क्या क्या ख़रीदा है वो भी शेयर करूंगी. गाइज गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक अगेन. अभी शाम के बजे हैं 7:30 और अभी थोड़ी देर पहले मैं मार्केट से आई हूँ शॉपिंग करके. सो क्योंकि इस साल पूजा हर साल जैसा नहीं हो रहा है, तो इस साल शॉपिंग भी वैसा कुछ नहीं है. सिंस मैं एक दूसरी सिटी में शिफ्ट होने वाली हूँ, तो कुछ मैंने उस हिसाब से सामान खरीदा है. कपड़े भी कुछ लिए हैं थोड़े बहुत, एक दो, और कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था. और मैंने कुछ एसेसरी शॉपिंग की है जो मतलब डेली यूज़ में डेली रिक्वायरमेंट्स होती है वैसे. सो मैं वो आपके साथ पहले शेयर करती हूँ. और जो क्लॉथ, जो मैंने कपड़े लिए हैं फॉर पूजा, नहीं पूजा स्पेशली पूजा के लिए नहीं, बट जो मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँ, मैं मतलब एक रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकूँ वैसे ही ड्रेस लिए. मैं ज़्यादातर वक्त वैसे ही ड्रेसेस लेती हूँ, मैं हैवी कुछ ड्रेस नहीं लेती हूँ. सो अभी सबसे पहले एक्स्ट्रा बात किए बिना मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैंने एसेसरीज क्या क्या लिए हैं. और प्राइजेस बहुत कम है. सो आई थिंक 200 या समथिंग में मुझे ये सब कुछ मिल गया था. सो सबसे पहले मैंने ये हुप्स लिए हैं, ये सिल्वर हुप्स. इसका प्राइस है 20. आप साइज़ देख सकते हो लाइक दिस सिल्वर हुप्स. ये वेस्टर्न क्लॉथ्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा, सो इसलिए मैंने लिया है. ये मेरे पास ये नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादातर कुर्ती पहनती हूँ जिसके साथ झुमका अच्छा लगता है. तो बट इस बार मैंने सोचा कि मुझे लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से मुझे मन हो रहा था कि मैं ये लूँ.
फिर मैंने और एक हुक लिया है, ये है गोल्डन कलर का। ओके सो इसका भी प्राइस है 20। मैं और एक बात आपको बता दूँ कि इन दोनों का साइज़ जो है अलग है, ये सिल्वर वाला गोल्डन वाले से थोड़ा बड़ा है, बट दोनों का प्राइस सेम है 20-20-40। उसके बाद मैंने अपने इन झाड़ियों को बांधने के लिए दो रबर बैंड लिए हैं, 10-10, मतलब टोटल 20 रुपीज़ है, 10-10 डन। उसके बाद मैंने लिया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है ये क्लचर्स। ये क्लचर्स मैंने लिए हैं, सो इसका प्राइस है 35, इसका भी 35, जो मुझे 30 रुपीज़ ने दिया है वो कॉस्मेटिक शॉप वाली दीदी ने। सो 30-30-60 डन। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड माई मोस्ट फेवरेट थिंग जो है वो है लिपस्टिक। ओके इसका शेड है ये, आई होप दिख रहा है ये, एंड ये है एडियस प्रो मैट एडिशन और डार्क पर्पल, शेड नंबर 424। ठीक है, सो आप इसे यूज़ करना। इसका प्राइस था 100, छोटू सा है, 100 रुपीज़। सो अगर किसी को ये अच्छा लगता है देन डू नोट डाउन द शेड नंबर 424। और इसका शेड बहुत अच्छा है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे स्पेशली ये एक पिंक साड़ी के साथ पहनना है इसलिए मैंने ये चूज़ किया है, अदरवाइज मैं इतना डार्क नहीं लगाती हूँ, बट इस बार मुझे अच्छा लगा। सो बस इतना ही था मेरा शॉपिंग एसेसरीज़ वाला पार्ट, क्योंकि मैंने कुछ हैवी एसेसरीज़ भी नहीं लिए थे, झुमका वो सब जो मेरा फेवरेट चीज़ है वो सब मैंने नहीं लिया है। और क्लॉथ्स की जो है वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी, और क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि मैंने कल रात को आपको बताया था कि मैं कल सुबह, मतलब आज, मेरे जो शॉपिंग क्लॉथ्स है वो सब शेयर करूँगी आप सबके साथ। सो पहले मैं मेरे भाई के कपड़ों के साथ स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि किड्स वेयर जो सबसे क्यूट होता है इसलिए। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि रिसेंटली आई हैव लॉस्ट माई अंकल, जिन्हें हम बंगाली में जिड्डू बोलते हैं। सो उस वजह से दुर्गा पूजा के लिए स्पेशली कोई शॉपिंग नहीं हुई है, ये जस्ट बिकॉज ज़रूरत थी इसलिए हमने ली है, क्योंकि किसी का मन मिजाज ठीक नहीं है कि हम शॉपिंग करें, इंजॉय करें, कुछ नहीं हुआ इस बार। शायद हम पूजा भी घूमने नहीं जाएंगे, वैसे भी पेंडेमिक के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्लस अगर दिल में खुशी हो तो थोड़ी बहुत हम घूम लेते, बट आई डोंट थिंक इस साल पॉसिबल होगा। और मन भी नहीं है किसी का, क्योंकि एक घर से किसी को मतलब हमेशा के लिए अलविदा कर देना इट्स अ वेरी ट्रेजिक थिंग, एंड उस वजह से किसी के दिल में उतनी खुशी नहीं है कि हम पूजा सेलिब्रेट करें। वैसे भी इस साल नहीं होता पेंडेमिक की वजह से, बट जितना कुछ हम करने का प्लान कर रहे थे वो भी नहीं होगा, क्योंकि किसी का मन नहीं है अभी, ना हमने शॉपिंग की है पूजा के लिए ना कुछ, जो बेसिक नीड्स है, क्योंकि मैं दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रही हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा था, तो उस वजह से मुझे कुछ सामान चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए थे जो रेगुलर वेयर के लिए, सो वैसे वो सब मैंने लिए हैं। और मेरे भाई के भी कुछ कपड़े चाहिए थे, वो सब मैंने लिया है। और जैसे कि मम्मी पापा का भी सेम, रेगुलर वेयर के लिए ही कुछ कपड़े लिए हैं, वैसे पूजा स्पेशल कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि मूड ही ठीक नहीं है, मन अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है इस साल। और यही रीज़न है मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि कुछ है था नहीं दिखाने के लिए। हाँ, मैं कुछ रिचुअल्स वैसे दिखा सकती थी, बट अगर कुछ अच्छा हो तो देखने में अच्छा लगता है, ये सब आई डोंट थिंक अच्छा लगता है देखने में किसी को भी। बट फिर कोई ऐसा भी बोल सकते कि यूट्यूब भी तुम्हारी एक फैमिली है, यू मस्ट शेयर एवरीथिंग। हाँ ज़रूर, बट अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, सो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज़ एडजस्ट करने में, जैसे कि मैं इन पब्लिक में कैमरा में बात नहीं कर सकती, ये एक मतलब अभी एक प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे आई थिंक ये ठीक हो जाएगी, तब शायद मैं शेयर करूँ। जो दुख की बातें हैं, खुशी की बातें हैं, सब शेयर करना चाहिए अपने फैमिली के साथ, एज़ यूट्यूब इज़ अ फैमिली फॉर मी नाउ। बट अभी मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी ठीक होगा कि मैं ये सब शेयर करूँ, और मैं नहीं चाहूँगी कभी कुछ दुख की बातें नेक्स्ट में शेयर करूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि फिर से कुछ ऐसा हो। सो दैट्स इट, तो अभी मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करती हूँ, लेट्स स्टार्ट मेरे भाई के कपड़ों के साथ स्टार्ट करती हूँ।
ये है, ये एक वाइट टी शर्ट नहीं, इसके स्लीव्स कटे हुए हैं और मेरा भाई ऐसा ही कपड़ा पहनता है हमेशा। एंड इसका प्राइस है 99, एज यू कैन सी 99। सो दिस इज इट। यहाँ ऑलमोस्ट सारे टी शर्ट्स के प्राइजेस 99 ही है। एंड दिस इज अनदर वन। आप सबको ये मतलब पैटर्न सेम लगेगा क्योंकि वो इसी टाइप का पहनता है, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता ये। उसके बाद ये है बॉटल ग्रीन कलर का, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्न टू विन। एंड इसका भी प्राइस है 99। आफ्टर दैट ये है और एक ये रेड कलर का है एंड इसका भी प्राइस है 99। उसके बाद है ये, इसका भी प्राइस, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, इसका प्राइस है 200। एंड इसके बाद है ये ब्लू कलर का है एंड इसका प्राइस 99 है। और यहाँ पे सारी टी शर्ट्स 99 के ही है। आई डोंट थिंक इसे टी शर्ट्स बोलते हैं या नहीं, मुझे पता नहीं। इफ़ आई एम रॉन्ग देन प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको मेरे ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने लिया है, और मैं फिर से बोल देती हूँ नॉट फॉर पूजा पर्पस, ये मैंने रेगुलर वेयर के लिए लिया है। सो सबसे पहले है ये एक शॉर्ट कुर्ती है एंड इसका प्राइस है 200, जो मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया है। ये ऐसा है। उसके बाद ये एक ट्यूनिक है और ये रेडिश मैरून कलर का है एंड इसका प्राइस है 300। इसका प्राइस है 300। ये भी विशाल मेगामार्ट का ही है। माय फेवरेट ये कुछ ऐसा है, इसके स्लीव्स एंड ये भी एक टॉप है एंड इसका प्राइस है 400। एंड आप नीचे इसका देख सकते हो, ऐसे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है जो मुझे बहुत पसंद है। सो दिस वन इज़ माई फेवरेट। इसका प्राइस है 400, मतलब 399, 400। और एक है ये नी लेंथ का ड्रेस है, बेसिकली अ शॉर्ट ड्रेस, बट मैं नहीं पहनती हूँ उतना शॉर्ट ड्रेस, उतना तो मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं बहुत हेल्दी हूँ, सो इट डजंट सूट मी। सो फिर भी मैंने इस बार लिया है, मुझे मन हो रहा था। ये मैंने बहुत पहले ही ले लिया था, लाइक सेप्टेम्बर ऐसे टाइम पर मैंने लिया था। एंड इसका प्राइस है 880, विच आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा। तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक इट फ्रॉम मिंत्रा। ये प्लस साइज ड्रेस है वैसे। दैट्स इट। और मैंने ये चार ही लिए हैं, और एक मैंने ऑर्डर किया था कॉलेज पर्पस के लिए जो अभी तक आया नहीं है, शायद वो अमेजन में मैंने ऑर्डर किया था। सो वो कुछ दिनों में आ जाएगा, अगर वो आज मतलब जब वो आएगा, अगर नहीं ऑब्वियसली वो आएगा, जब वो आएगा तो मैं ज़रूर अनबॉक्सिंग करूँगी, आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी के लिए मेरे कपड़े इतने ही है, मतलब पूजा पर्पस के लिए तो नहीं, मतलब जो मैंने नहीं खरीदे हैं वो इतने ही हैं। और पापा और मम्मी के लिए जो है वो मैं ऐसे खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि शर्ट को फोल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट है एंड साड़ी तो आप ऊपर से देख के समझ सकते हो कैसा होगा, तो मैं उसे वैसे ही दिखाती हूँ। और ये तीन शर्ट पापा के हैं, ये हमें ये लेमन येलो कलर का है, ये हमें मिला है 199 प्राइस में, विच वे बहुत सिंगल। और ये दोनों जो है ये बाई वन गेट वन था, इसका प्राइस है, इसका भी प्राइस 199 है, इसका भी, सो बाई वन गेट वन, सो वी गॉट टू विद इन 200।
एंड ये सेपरेटली 200, मतलब टोटल यहाँ पे 400 के तीन शर्ट हमें मिले। और मम्मी ने ये दो साड़ी लिया है, ये एंड ये एकदम सिंपल कॉटन साड़ीज होती हैं जो विदिन 300 पर साड़ी मिल जाती है। ये पूजा के टाइम पे पहनने में अच्छा लगता है, मतलब स्पेशली मेरी मम्मी को। मम्मी ये सब घर में भी पहनती है कभी कभार। ये सब मतलब कॉटन का होता है एंड पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड आप डिज़ाइन देख सकते हो, सिंपल है बट इट लुक्स प्रिटी। इसका भी सेम, इसमें ऐसे बॉक्स प्रिंटेड हैं एंड इट रियली लुक्स गुड। देखो आज का वीडियो मैं यही एंड कर रही हूँ। मैंने सब कुछ आपको दिखाया है, मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है एंड ऑल। सो व्लॉग यहीं तक रहा। आप सब अपनी पूजा में सेलिब्रेट करना बट सेफली, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो देन यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं उसे यहाँ पे दे दूँगी उसका नाम। एंड वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड सब्सक्राइब बटन के पास जो छोटू मोटू सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। दैट्स ऑल फॉर द डे। टाटा।